इंस्पेक्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये लड़की बेगुनाह है और आप सब इसके गुनहगार। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। अब जो कुछ कहना है अदालत में कहना। सचमुच हम सबको जेल भेजेगा? रहने दीजिए माँ, ये अब आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। पर तू है ना बेटा, तुम लोगों ने जो किया है तुम लोग मेरा परिवार कहलाने के लायक नहीं। अरे ना लक्ष, हम लोगों ने कुछ ना किया है। अरे तो खुद ही सोच, हम लोग के पास बारूद कहाँ से आएगा? कौन ला के देगा हम लोग को बारूद? तू सोच जरा लक्ष, क्या हो गया तारे को? सुजाता, अब इसको सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाची, जब आप मेरे कमरे में जाकर लोबान से कमरा जलाकर काव्या की जान लेने की कोशिश कर सकती है तो बारूद लाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? सीरियसली, ये काव्या को तुम्हारी जिंदगी में आए 2 दिन भी नहीं हुए, उसके कहने पर तुम अपने माँ पापा को जेल भेज दोगे, उन्हें इतनी तकलीफ और बदनामी दोगे, तुम इतना कैसे गिर सकते हो लक्ष्य? स्वरा, ये सब मैं अपनी बेगुनाह पत्नी के लिए कर रहा हूँ। क्या गलती है इसकी? मुझसे शादी करना? जो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम सबकी तरह नहीं जो मुझ में कमियां निकाल के मुझसे नफरत करते हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है लक्ष्य, जानती हो कि प्यार और विश्वास के मामले में बहुत कमजोर हो तुम, पर आज इस लड़की का साथ देकर उसका विश्वास करके तुमने ये बात प्रूव भी कर दी। देख लेना लक्ष्य, आज जो इस लड़की की बात तुम अंधों की तरह मान रहे हो इसके लिए बहुत पछताओगे। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी लक्ष्य। और याद रखना लक्ष्य, इस घर के बड़े भले ही तुझे माफ कर दे लेकिन तेरा ये भाई, 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 भाई तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे मुझे तेरी माफी चाहिए भी नहीं। बहुत बढ़िया भाषण दिया नेता जी, संभाल कर रखिए, अदालत में काम आएगा। अरेस्ट करो इन सबको। अरे लेकिन आज सारी हदें पार कर दी है लक्ष्य, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। शगुन के कंगन लाई थी मैं इसके लिए। तू इस रिश्ते से खुश है ना? बेटा, अगर तुम्हें मेरे बेटे से कोई भी बात करनी है ना तो बेहिचक कर सकती हो, मैं तुम पे कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहती। तुम्हें हमारा काश पसंद तो है ना? नहीं बहन जी, हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार है। अरे तो चलो ठीक है जी, अब तो मैं अपनी बहू को कंगन पहना सकती हूँ ना?
क्या? ये अंगूठी? लाडो, ये अंगूठी उतार। तूने अभी तक काय पहन रखी है अंगूठी? ये अंगूठी तुम्हारे पहले पति ने दी थी ना? बहन जी, वो गलती से बस। लेकिन भाई साहब, रागिनी की पहली शादी के बारे में तो हमने आपको बता दिया था ना पहले ही। जी हाँ, बता दिया था, पर ये नहीं बताया था कि वो अभी तक अपने पहले पति को भूली नहीं है। और जब तक एक रिश्ता खत्म ना हो, दूसरा रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? देखिए, अगर आपकी बेटी अपने पति को नहीं भुला सकी तो कैसे हमारी बहू बनेगी? वैसे भी आप अपनी पुरानी यादों के साथ कैसे मेरे बेटे के साथ खुश रहेगी? हाँ बिल्कुल, जब तक पुराना रिश्ता खत्म ना हो कोई भी नया रिश्ता नहीं जुड़ सकता। मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बहन जी, आप इस तरीके से क्यों बात कर रही है? हम आराम से बैठ कर बात कर सकते हैं। आप भी समझ सकती है कि एक रिश्ते से निकलना इतना आसान नहीं है। आपसे तो मुझे कोई बात नहीं करनी। आप में होता होगा पुराने रिश्तों को बिना बुले नए रिश्ते जोड़ना। तभी तो आपने अधेड़ उम्र में शादी की है। बहन जी, बेहतर होगा कि हम सब लोग अपनी हद में रह के बात करें। हाँ बहन जी, आपको कोई हक ना है हमें इस तरह से बेइज्जत करने का। आप लोगों को हक है हमें यहाँ बुला के हमारे समय बर्बाद करने का और हमें बेइज्जत करने का? और हमें कोई हक नहीं है? और अगर आपकी बेटी अपने पहले पति से इतना ही प्यार करती थी तो क्यों तलाक करवाई आपने उसकी? हमारी लाडो वो घर छोड़कर ना आई थी। वो तो उस लड़के ने लाडो को बेवकूफ बनाकर तलाक के कागज पर दस्तखत करवा लिए। लो जी, कैसी रही होगी इनकी बेटी, जो इसका पहला पति इससे पीछा छुड़ाने के लिए इतना बेकरार था कि इसे बिना बताए कागज पे साइन करवा लिए। हम तो बच गए जी, हमें नहीं चाहिए ऐसी बेटी। और कौन करेगा इस लड़की से शादी? कौन बनाएगा इसे अपने घर की बहू? बस बस बस, बस। बहुत हो गया, हो गया, हो गया। निकलिए आप लोग हमारे घर से और देखना, एक बहुत अच्छे लड़के के साथ अपने लाडो की शादी करवाऊंगी मैं। हाँ हाँ, जब तक गुड़िया जाएगी ना, मिल जाएगा अच्छा रिश्ता। 15 दिन में अपनी लाडो की दोबारा शादी करवाऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे। ऐसा कोई वादा मत कीजिए जो आप पूरा ना कर सको, समझिए आप? ले लीजिए और निकल। हाँ हाँ, जा रहे हैं, चलो जी। इससे शादी करवाएंगी 15 दिन में? हमारा टाइम बर्बाद कर दिया सारा। लाडो, अपनी दादी माँ पर भरोसा है ना थारे को? प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा पानी मिल सकता है? मैडम, ये आपका घर नहीं है और ना यहाँ कोई आपका नौकर है। देखिए, हम सिर्फ यहाँ पर कस्टडी में हैं। हमारे खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज इस तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। कांस्टेबल, पानी मिलाओ इन सबको। आइए, आप बैठिए।
जोरावर सिंह, सबके मोबाइल फोन जमा कर लो। बड़ी मां पानी पी लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा, कुछ नहीं कहा लक्ष्य ने, चुपचाप खड़ा होकर सब देखता रहा। विश्वास नहीं होता कि उस काव्या के पीछे उसने रागिनी को छोड़ दिया। अरे यही है वो जिसके बारे में वो दिन में तन्ने बता रही थी। इसके पति ने दूसरी औरत के लिए इसे छोड़ दिया क्योंकि वो इसे तंग आ गया था। जब तक पुराना रिश्ता खत्म ना हो कोई भी नया रिश्ता नहीं जुड़ सकता। मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और अगर आपकी बेटी अपने पहले पति से इतना ही प्यार करती थी तो क्यों तलाक करवाया आपने उसकी? 15 दिन में अपनी लाडू की दोबारा शादी कराऊंगी। लक्ष को भूल चुके हैं। ये अंगूठी हमने गलती से पहन ली थी माँ। मैं जानती हूँ बेटा। बेटा हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि इतना सब कुछ बिखर जाने के बाद भी तूने इस रिश्ते की बात आगे चलाने के लिए हाँ कर दी। यही बहुत हिम्मत का काम है। बिखरने के बाद फिर से खड़ी हुई यही काबिले तारीफ है। हम है ना तेरे माँ पापा। तुझे किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तू आगे बढ़ चुकी है। दुनिया की परवाह ना कर। हम है ना, तुझे हम पे भरोसा है ना। हम एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। एक ऐसा लड़का जिसे तुम्हारे अतीत से कोई वास्ता नहीं होगा, जो सिर्फ तुम्हारे आने वाले वक्त का हिस्सा बनना। रख बेटा, तेरे अतीत की वजह से तू अपनी नजरें झुका के नहीं रख सकती। You have to be strong। और जो कुछ भी हुआ वो सब बस होता चला गया है, उसमें तेरी गलती नहीं है। और किसी को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, खुश होने का पूरा हक है ना बेटा? कोर्ट केस होने में अभी वक्त है। और मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं मांग रही हूँ जिससे कानून टूट रहा हो। मुझे सिर्फ एक फोन करना है, सिर्फ एक फोन कॉल। रागिनी, माँ बाबा तुम्हारे आसपास है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? रागिनी मैं तुम्हें जो भी बताने वाली हूँ आराम से सुनना, रिएक्ट मत करना। ओके? हाँ बोलो। बंद करो अपना ये नाटक। पहले मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो और जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया मुझे बचाने की एक्टिंग कर रही हो। आपको यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने बुलाया पुलिस को, क्योंकि आप सब काव्या को मारना चाहते हो। ये लड़की बेगुनाह है,
और आप सब इसके गुनहगार। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। जो कुछ कहना है अदालत में कहना। हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? पापा, हम सोच रहे हैं कि जरा सोरा को मिल ले, हमारा मन हल्का हो जाएगा। बेटा उस घर में जाने की तुम्हें? नहीं पापा, घर में नहीं, घर के बाहर ही उसे मिल लेंगे। तो ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, हम खुद ही चले जाएंगे, हम आते हैं। चिंता मत करो शिखा, हमें रागिनी के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। हाँ जरूर, मैं अपनी लाडो के लिए करोड़ों में एक लड़का ढूंढूंगी। पर लाडो है कठे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम आप सबको यहाँ से बाहर निकाल कर रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकती मैडम, इन सबको अपने किए की सजा मिल रही है। इंस्पेक्टर जी, जब हम आपके इल्जाम को गलत साबित कर देंगे ना, तब आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। हमारी वकील साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत शाम हो गई है तो कोर्ट बंद हो गया, आज बेल नहीं हो पाएगी। नाना ऐसे कैसे, ना जेल में तो ना रह पाएंगे हम लोग, नाना जी ना हो पाएगा, ऐसे कैसे रहेंगे हम लोग जेल में। कांस्टेबल, अंदर डालो इन सबको, मर्दों को एक जेल में डालो और सारी औरतों को दूसरी जेल में। माँ, हम आप सबसे वादा करते हैं, आप लोगों को इस जेल में रात गुजारने नहीं देंगे, ये हमारा आप सबसे वादा है। सोरा, किसी को कुछ नहीं होगा सोरा, जानती हो रागी, तुम हम सबको जरूर बचाओगी, जरूर निकालोगी यहाँ से, हम पर विश्वास है ना, कुछ नहीं होने देंगे। एक मिनट, हम जा रहे लक्ष्य, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी फैमिली ने लक्ष्य 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 शागिनी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि आप सच में इतना गिर चुके हैं। आपकी आंखों में देखकर ये तसल्ली देने आए थे कि शुक्र है कि अब हम आपसे प्यार नहीं करते।